हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आए न्यू जन्माष्टमी ब्लॉग लेकर। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और यहाँ पर हम कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए कुछ डेकोरेशन। यहाँ हमारे पास कुछ सामान है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर हैं और फ्लावर्स हैं और लाइटिंग वगैरह है, जो आपको लास्ट में देखने मिलेगी हमने किस तरीके से डेकोरेट किया है। और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा। दूर से कुछ इस तरीके से चौक बनाया है और हमारा ऊपर से डेकोरेशन ऐसे स्टार्ट हो गया है। कैसा बनाया चौक आप ज़रूर बताना। हमारे यहाँ आटे से और ये से चौक बनाते हैं। हमारे यहाँ शुभ काम में हर जगह चौक से ही स्टार्टिंग होती है। और फिर हम इस पर यहाँ चौक ही रख देंगे जिसके ऊपर हम डेकोरेशन करके भगवान जी को विराजमान करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ लोग बहुत उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं और घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हमने एक चौकी ले ली जिसके ऊपर हमने लाल कपड़ा बांध दिया है मौली की डोरी की हेल्प से। और बस अब हमारा डेकोरेशन चल रहा है। इस पर हमने ये लाइटिंग रख दी है जो दिए की तरह दिखती हैं। अभी मैं इसको चेक करके भी दिखाऊंगी आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ। अब देखिए ऊपर भी जो हमने लाइटिंग की है वो भी दिख रही है। सबको एक कनेक्शन कर दिया है हमने। अब भगवान जी का झूला और ये चौकी हमने इस तरीके से कुछ डेकोरेट की है। भगवान जी का झूला रखा हुआ है जिसे हम थोड़ा बहुत करेंगे डेकोरेट। यहाँ पर हमने डुग्गू और लड्डू को तैयार कर दिया है राधा और कृष्ण के रूप में। कैसे दिख रहे हैं आप बताना। लड्डू को उसकी बुआ ने रेडी किया है। सब लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग भी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा हमारे छोटे से कन्हैया और राधा रानी आप लोगों को कैसी लगी। फिर यहाँ पर हो गई है रात के 11 बज रहे हैं और हम यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत जो काम रह गया था हमने पूजा का सामान लगाना मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था। मम्मी ना कर आए थे फिर वो सारा सामान लगा रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा पूरा डेकोरेशन हो गया है, वो आप बताना कमेंट में आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ पर हमने कुछ भोग रखा हुआ है भगवान जी का। कृष्ण जन्माष्टमी हो और प्रसाद में पंजीरी और चरणामृत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और हमने भी बनाया है पंजीरी और चरणामृत भगवान जी के लिए प्रसाद में। और कुछ यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, फल हैं और ड्राई फ्रूट, ये सब हमने भगवान जी के लिए भोग में रखा है। और हमने वहाँ पर उनके वस्त्र रखे हुए हैं। आप भी बताइएगा कि हमारे बाल गोपाल उन वस्त्र को धारण करके कैसे लग रहे हैं। अभी कृष्ण जन्म में थोड़ा सा समय था तो हम ही सभी लोग यहाँ पर बैठकर भगवान जी की थोड़ी सी तैयारी भी कर रहे थे और भगवान जी का नाम ले रहे थे, भजन कर रहे थे। बस अब भगवान जी का जन्म होने ही वाला था, हम बहुत खुश थे। कृष्ण जन्म हो गया, भगवान जी हमारे आ गए हैं। नंद गहरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यहाँ पर हम सब लोगों ने शोर मचा दिया था, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर बस मम्मी ने स्नान
कराना स्टार्ट किया चरणामृत, और उस जल से हम लोगों ने उन भगवान जी को नहलाया। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान जी का स्वागत हुआ फूलों से, फिर उसके बाद उनको स्नान कराया जल से, फिर चरणामृत से, फिर जल से, बारी बारी हम सब लोग बैठे हुए थे तो मम्मी ने सबको कहा कि आप सब लोग भी नहला दो। फिर हम सब ने बारी बारी नहलाया, फिर उनको साफ करके पहुँच के उनको अच्छे अच्छे से वस्त्र धारण कराए जो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। भगवान जी कैसे लग रहे हैं वो आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो हमारे तीन ठाकुर जी हैं जो तीनों तैयार होकर यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। आप कमेंट में बताइए वो लोग कैसे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे हमारे ठाकुर जी लल्ला कृष्ण कन्हैया। और बस यहाँ पर फिर आरती स्टार्ट हुई। फिर हमने यहाँ पर आरती करके भगवान जी को झूला झुलाया, हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया, और बस उनको विराजमान करके झूला झुला रहे थे हम सब। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और आपको मेरा ये जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।